Hello students, welcome to getlectures.com. Today I am going to start a new subject of mechanical engineering branch is fluid mechanics. The subject is fluid mechanics. This is very important subject for mechanical engineering as well as for civil engineering branch, because there are lots of applications of fluid mechanics used in our day-to-day life. Okay, let's start fluid mechanics. Fluid mechanics subject में अगर आप देखो सबसे पहला question आता है, basic question आता है कि हम fluid mechanics subject क्यों पढ़ते हैं? Why we study fluid mechanics subject in mechanical engineering as well as in civil engineering? तो question ढूंढना होता है कि आखिर fluid mechanics subject पढ़ेंगे तो इसका application area कौन सा होगा? Area of application क्या क्या हो सकता है? अगर आप देखना चाहो तो fluid mechanics में सबसे पहले अगर हम analyze करें, syllabus की analysis अगर हम start करते हैं तो according to syllabus हमें ये पता चलेगा कि कहाँ से किस chapter का कहाँ पे application है. Okay, let's start the syllabus of fluid mechanics. Syllabus of fluid mechanics. पहले हम syllabus देखते हैं fluid mechanics में. और अगर आप देखो तो ये subject बहुत ही important हो जाता है किसी भी exam point of view से. कोई भी technical exam देने जाओ as a mechanical engineer, as a civil engineer, तो अगर आप जाते हो तो उसमें bulk of questions आपको मिलते हैं fluid mechanics subject से. These questions are very 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 simple, objective questions होते हैं. अगर आपका concept clear है तो आपके लिए वो question बहुत ही simple लगते हैं. अगर आप जाते हो gate का paper देने तो gate में fluid mechanics subject से 6 to 8 marks contain करता है fluid mechanics subject. ESE का पेपर देने जाते हो तो ऑब्जेक्टिव में भी अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं. आप ले सकते हो 20 टू 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको ESE में मिलते हैं. और जब आप SSC में जाते हो, SSC का पेपर देने जब जाते हो तो वहां पर आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स होते हैं जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस फ्लूइड मशीन सब्जेक्ट से आते हैं, एप्लीकेशन सब्जेक्ट. ओके, तो सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं. सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज of fluid or fluid properties. Second chapter हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे, second chapter आपका second chapter आता है pressure and its measurement, pressure and its measurement. Third chapter is hydrostatic forces, hydrostatic forces on submerged surfaces. अगर आप इस चैप्टर में अगर देखो hydrostatic forces on submerged surfaces, तो submerged surfaces में आपके प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस दोनों आते हैं. प्लेन सरफेस आप ले सकते हो, कोई भी प्लेन सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो आप उसे किसी भी पोजीशन पे रख सकते हो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड, जो कि आप लोग कॉलेज लेवल पे पढ़ते हो कि इंक्लाइंड सरफेस पर कैसे फोर्स की एनालिसिस करते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे फाइंड आउट करते हैं. देन आफ्टर आप कर्व सरफेस की बात करते हो, कर्व सरफेस में आप देखते हो कि दो फोर्सेज एक्ट करते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, तो उन कंपोनेंट्स की भी बात करेंगे. और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है डिजाइन ऑफ डैम, डैम के डिजाइनिंग जो हम करते हैं, कैनाल के डिजाइनिंग जो करते हैं, उनके डिजाइन में दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, डैम की डिजाइनिंग होती है, तो आप ये भी कह सकते हो कि दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच. बट आप अगर देखो तो इसमें फुली मैकेनिक्स यूज होता है और मैकेनिक्स आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है. आप अगर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यहां से क्वेश्चन बहुत ही बन सकते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन आते भी हैं. फोर्थ चैप्टर हम देखेंगे बायोंसी एंड फ्लोटेशन, बायोंसी एंड फ्लोटेशन. बायोंसी एंड फ्लोटेशन में अगर आप देखो तो फोर्सेस, स्टेबिलिटी कंडीशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स,
मतलब कि डिफरेंट बॉडीज की बात हम करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सबमर्ज्ड बॉडीज, कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी और पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी। जो पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी होती है वो फ्लोटिंग बॉडीज होती हैं, जैसे कि आप सीप बनाते हो, सीप की डिजाइनिंग करते हो, तो वो टोटल आपका डिपेंड किस पे होता है, बायोन्सी एंड फ्लोटेशन पर। जिस चैप्टर में हम बायोन्ट फोर्स की स्टडी करेंगे जो कि आर्किमिडीज ने दिया था, तो ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिफ्थ चैप्टर अगर आप देखो तो फ्लूड काइनेमेटिक्स, फ्लूड काइनेमेटिक्स, फ्लूड काइनेमेटिक्स। सिक्स्थ चैप्टर इज फ्लूड डायनामिक्स। सेवेंथ चैप्टर इज फ्लो थ्रू पाइप्स, फ्लो थ्रू पाइप्स। एट चैप्टर इज लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो। नाइन्थ चैप्टर इज टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। टेंथ चैप्टर इज बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर। एंड लास्ट चैप्टर इज डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। अगर आप इतने जो आप जो चैप्टर्स देखते हैं, टोटल सिलेबस है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, अगर पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाउंडेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट, बिकॉज आप अगर इस चैप्टर में देखते हो, फर्स्ट चैप्टर में अगर आप देखते हो, तो फर्स्ट चैप्टर में टोटल हम प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। और उसमें हम डिफरेंट टाइप, डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे फ्लूइड की और उनको समझने का प्रयास करेंगे, और वहां से कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर ईएस एग्जाम्स, गेट एग्जाम और एसएससी एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनकी एनालिसिस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिस इज फाउंडेशन चैप्टर, फाउंडेशन चैप्टर फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर को आप कह सकते हो दिस इज अंडर हाइड्रोस्टेटिक, हाइड्रोस्टेटिक, हाइड्रोस्टेटिक। अगर मैं कहूं हाइड्रोस्टेटिक की बात करूं तो फ्लूइड इज इन स्टेटिक कंडीशन, टोटल फ्लूइड, फ्लूइड जब स्टेटिक कंडीशन में होती है तो उसकी टोटल एनालिसिस हम इन तीन चैप्टर्स में करेंगे। पहले उसके प्रेशर को मेजर करेंगे, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, जिसमें कि हम क्या देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर्स, एटमोस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, और एब्सोल्यूट वैक्यूम की बात हम जो करेंगे वो टोटल प्रेशर को देखेंगे। देन आफ्टर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप देखना चाहो तो यूट्यूब मैनोमीटर, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर्स, माइक्रोमैनोमीटर्स एंड पीजोमीटर्स, इनकी स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप आगे देखो, किसी भी पाइपलाइन में अगर आप फ्लो को मेजर करना चाहते हो, फ्लो को मेजर करने के लिए आप क्या लगाते हो, वेंचुरी मीटर लगाते हो, ऑरिफिस मीटर लगाते हो, तो वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर में जो एनालिसिस करते हैं बाई यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन, तो बर्नौलीज इक्वेशन में जो प्रेशर हमारी जो मेजर करनी होती है, प्रेशर के जो डिफरेंस को जो हमें मेजर करना होता है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर, तो वो हम किस तरह से मेजर करते हैं, तो डिफरेंशियल मैनोमीटर्स का यूज करके वहां पर मेजर करते हैं। बाय यूजिंग डिफरेंशियल मैनोमीटर्स हम क्या करते हैं, वेंचुरी मीटर की कंप्लीट एनालिसिस करते हैं और ऑरिफिस मीटर की। तो ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप देखो तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कंडीशंस में जब आप वेंचुरी मीटर लगा रहे हो, ऑरिफिस मीटर लगा रहे हो फ्लो को मेजर करने के लिए, तब आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही जब आप प्रेशर मेजर, प्रेशर की बात जब आप करते हो, तो इसमें आप हाइड्रोस्टेटिक लॉ की भी स्टडी करते हो, और हाइड्रोस्टेटिक लॉ की स्टडी करेंगे तो वहां से हमें प्रेशर के वेरिएशन का पता चलता है कि प्रेशर का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ कैसे होता है। फिर हम आते हैं हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेज ऑन सबमर्ज सर्फेसेस, तो इसमें प्रेशर के एप्लीकेशन को, कि प्रेशर का वेरिएशन कैसे हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो हमें डिजाइन करना है डिफरेंट सर्फेसेस को, जो डिजाइन करना है, जैसे डैम हो गया, फिर गेट्स हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ गेट्स का भी हम डिजाइनिंग करते हैं, तो गेट का जो डिजाइन कर रहे हैं स्ट्रेंथ लेवल पे डिजाइन करते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ क्राइटेरियन, तो स्ट्रेंथ क्राइटेरियन के बेस पे कर रहे हैं, तो फोर्सेस की एनालिसिस हमें करनी पड़ती है डिजाइन के लिए। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेज ऑन सबमर्ज सर्फेसेस, देन बायोन्सी एंड फ्लोटेशन। बायोन्सी एंड फ्लोटेशन में भी डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस की स्टडी करेंगे कि किसी भी फ्लोटिंग बॉडी में अगर कंप्लीटली सबमर्ज्ड है या पार्शियली सबमर्ज्ड है, फ्लोट कर रही है, तो उस पर कैसे उसका स्टेबिलिटी कंडीशन क्या है, वो टोटल स्टडी हम करते हैं बायोन्सी एंड फ्लोटेशन में। ओके, देन हम आते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट
Very important. फ्लूड काइनेमेटिक्स चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें हम टोटल काइनेमेटिक्स मींस व्हाट, स्पेस टाइम रिलेशनशिप, टोटल हम क्या पढ़ेंगे, मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफॉर्मेशंस हम देखेंगे कि जब वेलोसिटी के टोटल रिलेशंस की बात करेंगे फ्लूड एलिमेंट पे, प्योर ट्रांसलेशन की बात करेंगे, प्योर रोटेशन की बात करेंगे और फिर इनके कॉम्बिनेशन की भी बात करेंगे. और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम पढ़ेंगे, दो चीजें और पढ़ेंगे, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एंड वेलोसिटी एंड स्ट्रीम फंक्शन. फिर दोनों के रिलेशंस की भी बात करेंगे और वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं. और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वोर्टेक्स मोशन. वोर्टेक्स मोशन, वोर्टेक्स मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसका जो एप्लीकेशन हम कहां पर देखते हैं, वोर्टेक्स मोशन का एप्लीकेशन हम देखते हैं पंप्स के डिजाइन में. वहां पर ये सारी चीजें हम देखेंगे, वोर्टेक्स, वोर्टिसिटी, सर्कुलेशन, इनका टोटल यूज हम एप्लीकेशन सब्जेक्ट फ्लूड मशीन्स में हम देखेंगे. देन आफ्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्स चैप्टर फ्लूड डायनेमिक्स. फ्लूड डायनेमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बर्नौलीज, बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन. बर्नौलीज इक्वेशन को ड्राइव करेंगे हम थ्रू आइलर्स इक्वेशन, हम बर्नौलीज इक्वेशन को ड्राइव करेंगे. और विदाउट फ्लूड काइनेमेटिक्स हम बर्नौलीज इक्वेशन को भी ड्राइव नहीं कर सकते हैं. तो फ्लूड काइनेमेटिक्स पहले पढ़ेंगे, देन आफ्टर फ्लूड डायनेमिक्स पढ़ेंगे और बर्नौलीज इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, देन उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर, फिर पीटो ट्यूब, बेंड इन पाइप्स. ओके, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे और टोटल सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है. सेवन चैप्टर जो हम देखेंगे फ्लो थ्रू पाइप्स, इसमें टोटल हम क्या देखते हैं, लॉसेस, लॉसेस की बात करेंगे जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल कंडीशन में, धीरे धीरे हम आइडियल कंडीशन से प्रैक्टिकल कंडीशन में एंटर करते जाएंगे. देन आफ्टर लेमिनार फ्लो. लेमिनार फ्लो अगर प्रैक्टिकली आप बात करो तो कोई भी फ्लो लेमिनार फ्लो नहीं होती है, बहुत ही स्लो, बहुत ही लो वेलोसिटी पर ये होती है. तो लेमिनार फ्लो कोई फ्लो नहीं होता है, लेकिन लेमिनार फ्लो की स्टडी हम यहाँ पर करेंगे और लेमिनार फ्लो थ्रो पाइप्स एंड पैरेलल प्लेट्स दोनों चीजें देखेंगे, लेमिनार फ्लो की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे. देन आफ्टर प्रैक्टिकल कंडीशन में एंटर करेंगे टर्बुलेंट फ्लो. टर्बुलेंट फ्लो हाई स्पीड पे होती है और जनरली जितने एप्लीकेशंस हैं वो हाई स्पीड एप्लीकेशंस होते हैं. तो टर्बुलेंट फ्लो ये चैप्टर जो है इसमें हम थ्योरी भी पढ़ेंगे और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज का भी यूज करेंगे. कंप्लीटली ये थ्योरी नहीं है और कंप्लीटली आप अगर इस चैप्टर को सोचोगे कि ये आप ड्राइव कर सकते हो सारी चीजें, तो विदाउट यूजिंग एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज इट विल नॉट पॉसिबल. देन वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बाउंड्री लेयर थ्योरी. बाउंड्री लेयर थ्योरी में आप अगर देखोगे तो जो बाउंड्री लेयर बनती है उसमें आप देखते हो लेमिनार बाउंड्री लेयर, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर, ये और बीच में आपके ट्रांजिएंट बाउंड्री लेयर होती है. तो बाउंड्री लेयर की एनालिसिस जो करेंगे वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देन आफ्टर इसका अगर एप्लीकेशन आप देखो तो इसी में बाउंड्री, इसी में जो चीज हम देखते हैं सेपरेशन, फ्लो सेपरेशन जो हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और फ्लो सेपरेशन का अगर आप एप्लीकेशन देखने जाओ तो एरोडाइनेमिक शेप्स जो होते हैं, एरोडाइनेमिक डिजाइन जो होती है वो टोटल बाउंड्री लेयर के ऊपर डिपेंड करती है. एंड लास्ट चैप्टर इज डायमेंशनल एनालिसिस. अगर मैं आपसे बात करूं आपके मैकेनिकल ब्रांच में लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, बाउंड्री लेयर एंड डायमेंशनल एनालिसिस, ये चारों चैप्टर्स का एप्लीकेशन आपको कहाँ मिलता है, तो जब आप हीट ट्रांसफर में कन्वेक्शन पढ़ते हो तो कन्वेक्शन में ये चारों चैप्टर. सबसे पहले फ्लूड डायनेमिक्स का, अगर फ्लूड काइनेमेटिक्स, फ्लूड मैकेनिक्स का अगर हम रिव्यू करते हैं तो उसमें हम ये चार चैप्टर का रिवीजन करते हैं. देन आफ्टर हम फोर्स्ड कन्वेक्शन स्टार्ट करते हैं. कन्वेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस सब्जेक्ट को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो. ठीक है, इस सब्जेक्ट को आप कहीं से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, किसी भी टॉपिक को आप लेफ्ट नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फ्लूड मैकेनिक्स. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लूड मैकेनिक्स के सबसे पहले चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड. लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें जानना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चन हैं आते हैं दिमाग में कि वॉट इज फ्लूड. फर्स्ट डेफिनेशन आता है वॉट इज फ्लूड. ओके, वॉट इज फ्लूड, तो अगर आप देखो मैं तो एक डेफिनेशन दे रहा हूं फ्लूड का. अ फ्लूड इज अ सब्सटेंस व्हिच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शियर फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स, हाउएवर स्मॉल द फोर्स मे बी. ये शियर फोर्स कितना भी स्मॉल हो सकता है. और कोई भी सब्सटेंस, फ्लूड इज अ सब्सटेंस व्हिच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, मतलब कि
एनीथिंग विच इज कैपेबल टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूड. कोई भी चीज जिसमें कैपेबिलिटी है फ्लो करने की उसे फ्लूड कहेंगे. और लेकिन वो फ्लो कब करता है? अंडर द एक्शन ऑफ सियर फोर्स, हाउएवर स्मॉल द फोर्स मे बी. दैट इज अंडर द एक्शन ऑफ स्मॉल सियर फोर्स द फ्लूड इज कैपेबल टू फ्लो. अगर एग्जाम्पल्स देखा जाए तो फ्लूड में आपकी लिक्विड भी फ्लो करती है, फिर आपके गैसेस भी फ्लो करते हैं. तो दिस आर लिक्विड और गैसेस को मिला के हम क्या कहते हैं? फ्लूड. तो एग्जाम्पल्स में आप देख लो, लिक्विड्स, गैसेस, वेपर्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड फ्लूड. ओके, अगर मैं थोड़ा यहां पर एनालिसिस स्टार्ट करूं, थोड़ा फ्लूड के बारे में कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं, जैसे सॉलिड और फ्लूड्स में क्या डिफरेंस होता है. सबसे बेसिक बात है कि सॉलिड और फ्लूड में क्या डिफरेंसेस है. आप लोग सॉलिड के बारे में भी कुछ चीजें जानते हो और फ्लूड के बारे में भी कुछ चीजें मैं बताने जा रहा हूं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं और जो सॉलिड मैकेनिक्स में आप पढ़ते हो फ्लूड मैकेनिक्स में क्या इंपॉर्टेंट होता है और सॉलिड मैकेनिक्स में क्या इंपॉर्टेंट होता है. ओके, तो यहां पर एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं. ये ऊपर प्लेट है, दिस प्लेट इज मूविंग प्लेट. ये जो नीचे प्लेट है, दिस प्लेट इज फिक्स्ड प्लेट. इसमें हमने क्या किया, हमने फ्लूड के बीच में एक फिक्स्ड प्लेट और एक मूविंग प्लेट के बीच में फ्लूड रखा. ठीक है, एक स्टिक हमने डिप किया, दिस स्टिक. इस स्टिक को, ए बी स्टिक को हमने इनिशियली डिप किया जो कि दोनों प्लेट से फिक्स्ड है. ओके, एक हमने सियर फोर्स लगाया. सिंपल, अभी देखते हैं. इस स्टिक को डिप किया तो इस फ्लूड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो स्टिक के पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे, सिंपल यहां पर देखें, दिस मॉलिक्यूल्स जो स्टिक पर होंगे, सिंपल ये जो स्टिक पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको देखते हैं. स्टिक पर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं आपके, जब हमने एफ फोर्स अप्लाई किया, सियर फोर्स, दिस इज सियर फोर्स, बिकॉज की सियर फोर्स आप लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर्स में आपने देखे होंगे व्हाट इज सियर फोर्स, जो कि प्लेन क्रॉस सेक्शन के पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन जो फोर्स लगती है, दैट फोर्स इज सियर फोर्स. तो प्लेट के क्रॉस सेक्शन के पैरेलल जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, दैट फोर्स इज सियर फोर्स. सियर फोर्स लगाया तो ये जो स्टिक ए बी है, ये कब है? टी एट टी इज इक्वल टू जीरो. जब आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं कि जब ये प्लेट मूव करेगा तो ये स्टिक भी मूव करेगी और ये जो मॉलिक्यूल्स है वो कुछ इनमें डिफॉर्मेशन होगा, सियर फोर्स के कारण इसमें कुछ डिफॉर्मेशन हुआ, फोर्स लगा तो कुछ डिफॉर्मेशन हुआ, ये मॉलिक्यूल कुछ एंगुलर डिफॉर्मेशन, एंगुलर पोजिशन इनका चेंज हुआ. ये हो गया मान लो टी इज इक्वल टू टी वन. अब टी इज इक्वल टू टी टू की अगर मैं बात करूं तो ये मॉलिक्यूल्स कुछ अब यहां पर डिफॉर्म होके आ चुके हैं, एट टी इज इक्वल टू टी थ्री, मान लेते हैं 0, 1, 2, 3 जो सेकेंड्स की बात मैं कर रहा हूं, सिंपल सी बात है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मॉलिक्यूल्स का डिफॉर्मेशन होते जाएगा क्या अगर मैं इस फोर्स को रिमूव करूंगा? दिस क्वेश्चन इज फॉर यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. इफ वी रिमूव दिस फोर्स, the molecules regain their position, initial position or not? Okay, question है कि क्या मैं इस फोर्स को जब रिमूव करूंगा प्लेट से, जब मैं फोर्स को हटाऊंगा तो क्या ये मॉलिक्यूल्स फिर से अपने इनिशियल पोजिशन पर आ जाएंगे या नहीं आएंगे? प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स. ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें. ओके, अब देखते हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स इधर आएंगे. ओके, जब हमने फोर्स को रिमूव किया तो इसमें कुछ एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है, सिंपल सी बात है. आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है बस सिंपल सा कि क्या मैं इस फोर्स को जब रिमूव करूंगा तो क्या ये मॉलिक्यूल्स फिर से अपने पोजीशन को रिगेन कर लेंगे, इनिशियल पोजीशन को, या नहीं? ओके, देखते हैं. जैसे सॉलिड्स में होता है, सॉलिड में अगर आप देखो तो सॉलिड में अगर आप विद इन इलास्टिक लिमिट कोई लोड लगाते हो तो लोड को जैसे ही रिमूव किया उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अपने पोजीशन को रिगेन कर लेते हैं, अपने प्रीवियस, अपने शेप को रिगेन कर लेते हैं. तो क्या ये चीज फ्लूड में भी होती है?
इसका आंसर है, अगर आप देखो यहां पर एनालिसिस में अगर आंसर देखो तो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के पास कोई मेमोरी नहीं होती है, दिस मॉलिक्यूल्स आर मेमोरी लेस। अगर आप इन्हें जब आपने डिफॉर्म कर दिया, जब ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहां पर आ गए, तो आप फोर्स को रिमूव भी करोगे तो ये मॉलिक्यूल्स फिर से वापस नहीं आएंगे, बिकॉज ये मेमोरी लेस होते हैं, इनको अपना पाथ नहीं पता होता है। बट सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास मेमोरी होती है, विद इन इलास्टिक लिमिट अगर आपने लोड लगाया फिर रिमूव किया तो वो अपने शेप को रिगेन कर लेते हैं। ओके, तो यहां पर अगर आप देखो तो फ्लूड में क्या हो रहा है कि इनका डिफॉर्मेशन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का कुछ एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसलिए हम क्या देखते हैं, सॉलिड्स में जो चीजें हम पढ़ते हैं, सॉलिड में हमने देखा कि विद इन इलास्टिक लिमिट लोड लगाया तो उसने अपने शेप को रिगेन कर लिया, तो वहां पर हम डिफॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन फ्लूड में हम डिफॉर्मेशन की बात नहीं करेंगे, फ्लूड मैकेनिक्स में हम कभी भी बात करेंगे तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन की बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज दिस, देखते हैं वही स्टेटमेंट सिंपल। इन द सॉलिड्स इफ the force is within the elastic limit, the solid will come back to the original position after the removal of force. But in fluids, it is not come back to its original position after the removal of force. Removal of force के बाद ये अपने original position पे फिर से वापस नहीं आते हैं। तो यहां पर this statement is very important. This is very important statement. In solids, deformation doesn't vary with respect to with time. But in fluids, deformation varies with time and hence rate of deformation is important in fluids than deformation. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी fluid mechanics subject की study हम आगे proceed करेंगे, आगे जो चीजें देखते जाएंगे वहां पर हम deformation की बात नहीं करेंगे। जब हम fluid kinematics चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन की बात करेंगे, कहीं पर भी हम जो बात करेंगे वो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन की बात करेंगे। जब हम फ्लूइड प्रॉपर्टीज की बात करेंगे उसमें जब हम विस्कोसिटी की एनालिसिस करेंगे तो वहां पर भी हम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन की ही बात करेंगे। ओके, सॉलिड में हम कभी भी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन की बात नहीं करेंगे, सॉलिड में केवल डिफॉर्मेशन की बात करेंगे। ओके, तो यहां पर ये चीजें हैं। एक सिंपल सा एक अगर आप देखो तो एक नोट अगर मैं देना चाहूं तो एक नोट है, इफ देयर, नोट से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन कि अगर मैं फ्लूड, अगर कोई भी फ्लूड है, अगर मैं उस पर कोई शियर फोर्स अप्लाई नहीं करता हूं तो क्या वो फ्लूड स्टैटिक कंडीशन में होगी या मोशन के कंडीशन में होगी। ओके, तो वही चीज मैं बताने जा रहा हूं कि फ्लूड क्या है, एनीथिंग विच कैन फ्लो, विच कैन flow is called fluid under the action of shear force. However the force, however the shear force small may be, however small the shear force may be, ठीक है, जो सबसे initial definition में आपने देखा, however small the force may be, तो कोई भी fluid है, कोई भी fluid है वो flow करेगी, लेकिन कब flow करेगी, under the action of shear force, shear force कितना भी small है ये it doesn't matter, ठीक है। तो कभी भी कोई फ्लूड फ्लो कब करती है, अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स, ये ध्यान रखना है। तो किसी भी फ्लूड पर अगर जब शियर फोर्स नहीं लग रहा है तो वो फ्लूड क्या होगी, फ्लूड इज इन स्टैटिक कंडीशन। तो वही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट, इफ देयर इज नो शियर फोर्स, नो शियर फोर्स, द फ्लूड विल एट रेस्ट, द फ्लूड विल एट rest. If there is no shear force, the fluid will at rest. आप इसको ये भी कह सकते हो कि अगर कोई भी fluid है, flow कर रही है, उस पर कोई shear force नहीं लग रहा है, तो ये क्या होगा? Violation of fluid law, law of fluid mechanics, law of fluid mechanics. आप इसे कह सकते हो law of fluid mechanics. तो ये बहुत ही important point है कि कोई भी fluid अगर उस fluid पर कोई शियर फोर्स नहीं लग रहा है तो वो फ्लूड किस कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन में। जब हम लोग प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट की स्टडी करेंगे तो वहां पर ये चीजें मैं डिस्कस और करूंगा। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूड मैकेनिक्स सब्जेक्ट। ओके,